सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आंखें हमारी रोशनी प्रदान करती है, लेकिन इसमें क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है दुनिया उस पर हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान को हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखो। मेहनत की नींव इतनी मजबूत रखो कि सफलता की ईमान हिल ना पाए। आज का पंचांग 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:50 से 11:00 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मकर राशि 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार, आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए, और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। आज ज्यादातर काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे। दिन काफी संतोषजनक व्यतीत होगा। जो लोग आपके खिलाफ थे वही आपके पक्ष में आएंगे। आपके आत्मविश्वास के समक्ष आपके विरोधी परास्त रहेंगे। आपकी अपेक्षा के अनुसार योजना प्रगति की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। इस कारण अभी तक बनी हुई चिंता दूर होगी। आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिलता रहेगा। अपने काम के साथ अन्य किसी काम की शुरुआत कर पाना संभव हो सकता है। यह काम पार्टनरशिप में होने की आशंका बन रही है। अपनी अपेक्षा के अनुसार पार्टनर मिलने के बाद भी परिवार के लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप का जिक्र कर पाना कठिन महसूस होगा। गर्दन में जकड़न महसूस हो सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, दिखावे की प्रवृत्ति आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकती है। आलस तथा सुस्ती को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर किसी के साथ कोई वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करें। अगर वाहन खरीदने का प्लान है तो आज स्थगित करना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां और अधिक बढ़ेगी। आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हैं। वैसे आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं, लेकिन इनकी कई कमियों को देखकर आपको अब आश्चर्य हो रहा है। जो आपके सामने अब आई है वह आपकी उम्मीदों को समझने और उस पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है। आपको उसे कुछ समय देना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आपको जरूर समझना शुरू करेगा। बात करते हैं करियर की। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। किसी बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने की नीति कामयाब होगी और सफलता भी मिलेगी। कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में ज्यादा ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में भी लगाएं। इससे स्वास्थ्य को भी सुधार होगा। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रही हैं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही समय अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में
खुश महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इसे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।